हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको अपना चैनल ट्रिकी बाबू स्कूता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास हिंदी कोर आरओ काव्य खंड का चैप्टर पतंग अलोक धनवा का एमसीयू क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आप लोग को टर्म वन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वायरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए अर्थात टर्म वन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आप लोगों का चैप्टर इस क्वेश्चन है और यह आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों की नज़र में संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरद ऋतु किसे पार करते हुए आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे पतंग के साथ साथ क्या उड़ाने की कोशिश करते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धनुषाकार बांस की सबसे पतली कमानीदार को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने के साथ बच्चे हर्ष ध्वनि कैसे व्यक्त करते हैं? अर्थात हर्ष ध्वनि अर्थात खुशी व्यक्त करना, तो किस तरह से करते हैं? तो सीटियों और किलकारियों से। इसका राइट आंसर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग को आसानी से उड़ाने के लिए आकाश कैसा बन जाता है? कोमल बन जाता है, मुलायम बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है, साइकिल की घंटियां से बच्चे क्या इशारा करते हैं? अर्थात इसका राइट आंसर सी, एक दूसरे को बुलाने की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता में लाल सवेरे की तुलना किससे की गई है? इसका राइट आंसर है खरगोश की आंखों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग किसकी सुप्रसिद्ध काव्य रचना है? तो अलोक धनवा की। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता किस महीने के बीतने पर तेज बूंदों के बरसने की समय है, समाप्त होने की बात कही गई है? इसका राइट आंसर ए, भद्रपद अर्थात भादो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कहाँ से गिरने का डर होता है? तो छत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलोक धनवा का जन्म कब हुआ था? तो 1948 को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है, अलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर के जिला में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह अगला क्वेश्चन है, अलोक धनवा की एकमात्र काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलोक धनवा ने काव्य मंडली का संचालन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता का अदालत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनता का अदालत जनता का आदमी का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग के समान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार बच्चों को उमंग कैसी है? तो रंग बिरंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलोक धनवा की एकमात्र काव्य संग्रह का नाम क्या है? दुनिया रोज बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों का संसार किसके समान बहुरंगी और नाजुक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तितली के समान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते समय बच्चे कैसे होते हैं? निडर और निर्भीक।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों को खतरे से कौन बचाता है? तो उसके शरीर का संगीत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों कब चिंता मुक्त हो जाते हैं? पतंग उड़ाते समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया रोज बनती बिगड़ती है का प्रकाशन कब हुआ? 1998 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता में दुनिया का सबसे पहला कागज किसे कहा गया है? कविता में दुनिया का सबसे पहला कागज किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूमती हुई कहाँ आती है? बच्चों को बेचैन, पैरों के पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बच्चे किस प्रकार उड़ान भर रहे हैं? तो पतंगों के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है, बालक शरद क्या चाहता है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, दुनिया के सबसे पहले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से क्या बनाई जाती थी? रंगीन पतंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगीन पतंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए में कौन सा बीम है? इसमें स्पर्श बीम है, अर्थात स्पर्श के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है, पतंग ऊपर उड़ सके में कौन सा बीम है? तो उड़ना अर्थात दृश्य बीम, अर्थात पतंग को हम लोग उड़ता हुआ देखते हैं, इसीलिए दृश्य बीम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों के दौड़ने भागने और खुशी से उलझने की तुलना किससे की गई है? तो कपास के साथ की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कोमल का प्रतीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चों की तुलना कपास के साथ क्यों की है? क्योंकि बच्चों का मन एवं भावनाएं कपास की तरह ही स्वच्छ कोमल और पवित्र होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग के पीछे भागते बच्चों की निर्मलता कोमलता एवं पवित्रता को कौन छूना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी किसके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो बच्चों के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते बच्चों को किस प्रकार का पता नहीं चलता? तो पैरों के नीचे की जमीन का पता नहीं चलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग के साथ बच्चे कैसे उड़ते हैं बेसुध होकर? इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए बता रहा है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे पतंग की डोर खींचते खींचते कहाँ तक पहुँच जाते हैं? छत के एकदम किनारे तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छतों के खतरनाक किनारों में किस बात का भय बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसमान की ऊंचाइयों पर लहराती पतंग बच्चों के दिलों को किससे भर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह, उमंग और खुशी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पतंग के पीछे तेजी से दौड़ते भागते बच्चों के पैरों से होने वाले आवाज कवि को कैसे प्रतीत होती है? तो मृदंग के समान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते हुए वाने बच्चे चारों दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मृदंग के समान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चों के पतंग के पीछे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह एवं थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से पहली जगह पहुंचने की तुलना किसे की गई है? तो झूला झूलने की। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ है, दौड़ लगाकर एक जगह से दूसरे जगह भागते बच्चों का वेग किस तरह लचीला होता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी पेड़ की
डाल की तरह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतंग कविता में बच्चों के शरीर की लचीलेपन को कैसे बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ की डाल के लचीलेपन जैसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उसके बेचैन पैरों के पास क्या विशेषता होती है? जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, पतंगबाजों के पैर कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचैन, एकदम बेचैन रहता है, इधर उधर चलते रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और ढाल की तरह लचीले बेग में अक्सर में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें उपमा अलंकार होता है। अगर आप अलंकार के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, आप उस लिंक के माध्यम से अलंकार के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों को छत से नीचे गिरने से कौन रोक बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।